तो फिर मेरी जान से टीमा से आज मेरे को एक कमेंट आया, क्या फायर जोन पे वीडियो बना सकते हो? तो मैंने बोला हाँ मैं बना सकती तो, और मैं अभी बना ही रही हूँ वो वीडियो। तो फिर ऐसे ही कमेंट करते रहना आप भी। तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरी जान से टीमा का कमेंट पढ़ के। तो फिर आज का स्टार्ट है। सो टुडे आई एम होस्टिंग पायल जोन, और आपने पायल जोन के बारे में तो बहुत सुना होगा, मतलब बहुत बकवास करती है, किसी यूट्यूबर से उसे दिक्कत, सारे यूट्यूबर से उसे दिक्कत होती है, किसी ने उसके पापा का एक्सीडेंट कर दिया, कभी इसे उसकी वजह से किसी को उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, किसी ने उसकी उंगली चुरा ली, और बहुत ज़्यादा बकवास करती है, मतलब ट्रिगर्ड इंसान, कैरिमिनाटी, मतलब सौरभ जोशी, ऐसे मतलब कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को ऐसे ही करती रहती है, रोस्ट करती रहती है वगैरह वगैरह। तो आज हम ही उस पर रोस्ट कर रहे हैं। नहीं रही, अगर आखिरी बार उसे देखना चाहते हैं तो हमारे घर आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। इतनी बड़ी रहस्यमयी मौत कैसे वो हमें छोड़ के चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। गाइस सिमरन के भाई का कहना है कि इन सबके पीछे जो रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हुआ है सिमरन का, उन सबके पीछे सौरभ जोशी है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट एक रेड रंग की थार से हुआ है, और लाल रंग की थार तो आपको पता ही है सौरभ जोशी के पास ही है। और इसके अलावा भी कुछ सबूत सामने आ रहे हैं जो कि सीधे सीधे सौरभ जोशी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस पर मैं भी कुछ अपने विचार रखूंगी, पहले मैं उनसे मिलकर आ जाऊँ सारी वहाँ पे, अपनी तरफ से कुछ तहकीकात पूछताछ कर लूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मुझे नहीं पता था पायल जोन डिटेक्टिव भी है। दोस्तों आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ अपनी वॉच, आपको मिलेगा और आप जो है इसको खरीद सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। वो शॉक कि जब उसने अपने भक्त भरी कहानी के बीच में एकदम से एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया, ईयरबड्स और पावर बैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको 80% डिस्काउंट में मिलेगा, प्लस फ्री होम डिलीवरी। तो जरूर जाके शॉपिंग करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइज करने में जितनी जोर लगा रही है उतना जोर अपने दोस्त की इन्वेस्टिगेशन पे लगा लेते तो थोड़ा सुराग मिल जाता। अब ये कौन है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किसका नाम लिखा है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है मेरी फ्रेंड किसी सौरभ नाम के लड़के को जानती नहीं थी। तो मुझे बहुत अजीब सा डाउट हो रहा है कि आप ये नाम किसका लिखा हुआ है, ठीक है। सो मुझे तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में फोटो खींच के भी लगा दूंगी तो आपको क्लियरली दिखेगा। तो आई थिंक सौरभ जोशी को किसी को मारने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना। नहीं ये लोग कहां से आते हैं? मैम जी इसे इतनी जल्दी मतलब चिट भी मिल गई वो भी झूठी। एटलीस्ट आप थोड़ा सा भावुक तो रहो, लेकिन उसकी मम्मी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा, धक्का लगा कि क्या हो गया, ये आंटी रो क्यों नहीं रही है, मुझे लगा सदमे वदमे में होगी। तो मैंने बोला आंटी कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे मैं बोलने लग गई। तो गाइस इतने में मैंने उनको ये नोट दिखाया और आंटी स्माइल करने लग गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, कैसा कंफ्यूजन है और मतलब क्या चीज। आंटी शायद आपकी शक्ल को देख के हंस रही होगी। को लगा कि कैसा मजाक हो रहा है ये, तो मैं एकदम से बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। मुझे एकदम से सिम्मी की याद आने लग गई और मुझे उसकी मम्मी को देख के और अजीब डर लगने लग गया कि आखिर इनको हुआ क्या है, कि भाई ये बहुत ज्यादा ही सदमे में इसलिए रो नहीं पा रही है। तो इसलिए मेरे आंखों में लिटरली काफी ज्यादा आंसू आने लग गए और मैं रोने लग गई। और उस टाइम पे उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि भाई रो मत, हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, ऊपर वाले कमरे में जाके देखो। तो जब मैं ऊपर गई तो वहां पे सिमी सोई हुई। लास्ट में पायल जोन हमेशा ऐसे करती है, लिटरली हमेशा सौरभ जोशी वगैरह के पीछे पड़ी रहती है
और फिर लास्ट में कहती है ये तो प्रैंक था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, लगभग कोई गलती उसमें होती नहीं उनकी, बस ऐसे ही कुछ भी थंबनेल लगाते हैं ताकि लोग देखें और फिर लास्ट में ये आ जाता है। थी सिमी के रूम में, वहां पे कैमरा लगा रखा था और सिमी ऊपर वाले रूम में थी, तो ये चीज उन्होंने मुझे बताई, मुझे तो बहुत मतलब गुस्सा आया। मैं सच बताऊं तो कि भाई ऐसा कोई प्रैंक करता है, प्रैंक तो थोड़ा ढंग का कर लो, ये कैसा प्रैंक है। फिर मैं ऊपर गई, मैंने उसे दो चाटे लगाए, मैंने कहा ये कैसा प्रैंक है, तो यहाँ सो रही है और मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और तेरी मम्मी ने ये चीजें। तो उसने बोला अरे मेरा ही प्लान था ये। तो गाइज एक्चुअली ना सिमी का भी, अब सिमरन का भी यूट्यूब चैनल वो बना। उस वक्त तो सिमी को मतलब इतना गुस्सा आया होगा जब पायल जोन ने उसे इतने थप्पड़ मारे, दो थप्पड़ मारोंगे, मतलब घर से बाहर निकालने का मन कर रहा होगा। मैं होती तो सच्ची मतलब बहुत गुस्सा आता मेरे को। जिसने थोड़ी देर बाद पहले कोई बात कही थी कि वो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, एंड जस्ट अभी इसने बताया कि मैं उसके पास गई और मैं उसने बोला पायल जोन ने सिमी को कि ये कैसा प्रैंक कर रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तेरे लिए परेशान थी। तो फिर पहली बात तो वो सुन नहीं सकती, दूसरी बात उसने ये बताया कि सिमी ने मेरे को ऐसे बोला कि तुम कि ना ये तो बस एक प्रैंक था ऐसे ही तुम्हारे लिए। तो वो बोल और सुन दोनों सकती है, मतलब पायल जोन झूठ बोलते हैं ना, हमेशा ही झूठ बोलते हैं। तो फिर उसकी बातों पर विश्वास मत करा करो, ये ऐसे ही बोलती रहती है पायल जोन। तो फिर मेरे को जान। तो बस यहीं तक थी हमारी वीडियो, और मेरे को डर लग रहा है कि कहीं पायल जोन मेरे पे कहीं केस ना लगा दे कि कीर्ति ने मेरे को जेल भिजवा दिया, कीर्ति ने मेरी बेस्टी को मार दिया, मतलब करती रहती है वैसे तो। एनीवेज गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हाँ नीचे कुछ कमेंट आए थे वो जरूर देख के जाना, इतने फनी फनी कमेंट थे ना, क्योंकि मैं भी बहुत हंसी थी। आहा आहा नचिया।